मुरादाबाद में इतिहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान शनिवार को शहर के कोहना मुगलपुरा स्थित मदरसा जामिया अशरफिया तंजीबुल इस्लाम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के संविधान में एक बड़ा जुर्म है। जब से देश में बीजेपी सरकार आई है, तब से कुछ हिंदू संगठन देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन देश की बीजेपी सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उनका साथ दे रही है। मौलाना ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जगह जगह मुस्लिम नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार खामोश बैठी है। इसलिए वह 15 मार्च से तिरंगा यात्रा निकालकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और अपनी मांगों का राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। वहीं राहुल गांधी की तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि उनकी यात्रा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए थी, जबकि वह तिरंगा यात्रा देश में एकता अखंडता और सामूहिक सौहार्द बनाए रखने के लिए करेंगे। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि मुसलमान तो अब मॉब लिंचिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तु बन गया है, अब मुसलमान इसका आदी हो गया है, उसे मार डालो, उसे परवाह नहीं है, इतने हैं कि कितने को मार डालोगे। लेकिन गंभीर बात तब हो जाती है जब कातिलों की हिमायत में सभाएं होने लगती हैं, उनके लिए धरने होने लगते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, हार पहनाया जाता है और हीरो डिक्लेयर किया जाता है, तब फिक्र होती है। उसके लिए तो यह माहौल बनाया जा रहा है कि दूसरे ऐसे हिंदू पैदा हो जिनमें जोश पैदा हो। मुसलमान को मारोगे तो हुकूमत भी तुम्हारी सरपरस्ती करेगी, हार पहनाएगी, हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश को बचाने का काम जिन लोगों ने किया है वह आज संघर्ष कर रहे हैं। वो तो असल में जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना दिया गया है, कत्ल गारतगरी का माहौल बना दिया गया है और मुस्लिम मुनाफरत का माहौल बना दिया गया है। मुसलमान तो मॉब लिंचिंग के लिए तो यूज टू हो गया है, आदि हो गया, अब उसे परवाह नहीं है, मार डालो, हम इतने हैं, कितने मारोगे, मार डालो। लेकिन गंभीर बात तब हो जाती है जब कातिलों की हिमायत में सभाएं होनी लगते हैं, उनके लिए धरने होते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, उन्हें हार पहना, उन्हें हीरो डिक्लेयर किया जाता है, तब चिंता पैदा होती है। क्योंकि इसके ज़रिए तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि और दूसरे ऐसे हिंदू पैदा हो, उनमें जोश पैदा हो कि मुसलमान को मारोगे तो हुकूमत भी तुम्हारी सरपरस्ती करेगी, हिंदू समाज भी तुम्हें हार पहनाएगा, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। मैं मुसलमान की हिमायत में नहीं बल्कि अपने देश की हिमायत में और देश की एकता और अखंडता की हिमायत में यात्रा निकाल रहा हूँ। मेरा मोटो देश की एकता है, देश के टुकड़े होने का अंदेशा है, देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारे का अंदेशा है, मैं इस काम के लिए निकला हूँ, मैं इसी काम के लिए, और देश में एकता और बराबरी का सबके साथ सलूक होना चाहिए, सबके साथ बराबरी का इंसाफ होना चाहिए।